नमस्ते दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक चिकन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, चिकन लेग पीस करी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए और भी दूसरी तरह के वेज नॉन वेज रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये चिकन लेग पीस है, अबाउट 600 ग्राम है, 600 ग्राम है। ये प्याज है, ये किशमिश है, ये दही, खट्टा दही है, ये लहसुन, ये अदरक है, जिंजर, ये हरी मिर्च है, ये सनफ्लावर ऑयल है, ये नमक है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर, ये सत्तू है, ये अमूल कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर है, ये घी है और ये ड्राई डस्ट किया हुआ गरम मसाला है, ये डस्ट किया हुआ शुगर है, ये लेग पीस को हम मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, हम लेग पीस को थोड़ा काट दिए हैं ये अच्छी तरह से दही इसके अंदर घुसने के लिए। ये देखिए, अब हम ये 60 ग्राम दही है, ये 600 ग्राम करीब ये लेग पीस है, इसको हम आधा घंटा तक मैरिनेट करके रख देंगे। ये आधा घंटा तक मेरा हो गया। इसके अब हम पैन में बटर डालेंगे, मक्खन, कोलेस्ट्रॉल फ्री मक्खन है ये, एक चम्मच हम दिए टेबल स्पून। अब इसमें हम लेग पीस को दे देंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हम एक एक करके दे देंगे। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून लहसुन देंगे, हाफ टेबल स्पून नमक देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको हम 10 मिनट तक ढक देंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद ब्राउन कलर का हो चुका, देखिए थोड़ा थोड़ा। फिर हम इसको पलट देंगे दूसरी तरफ पकने के लिए। अब फिर 10 मिनट हम इसको ढक के दूसरी ओवन पे बैठा देंगे। पैन में हम 2 या 3 चम्मच तेल डालेंगे, टेबल स्पून तेल। अब इसमें हम प्याज देंगे, एक बड़ी आकार का प्याज है, इसको टुकड़ा करके रखे थे, ये हम पूरी दे देंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च देंगे, आप जितना तीखा खाएंगे उसके अनुसार आप दीजिएगा। थोड़ा सा नमक दे देंगे, ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। उधर मेरा चिकन तैयार हो गया। अब हम इसको गैस को बंद करके रख देंगे। लहसुन पेस्ट देंगे 1 चम्मच, अदरक पेस्ट देंगे 2 चम्मच। अब इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें हम हल्दी देंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच देंगे। हम कश्मीरी चिली पाउडर 2 चम्मच दिए, इससे तीखा नहीं होगा लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर मेरा जो किशमिश पेस्ट किया हुआ था उसको हम दे देंगे, ये करीब 4 चम्मच है, 4 टेबल स्पून है। इसमें अब थोड़ा सा पानी देंगे, ये ग्रेवी तैयार कर लेंगे हम। इसके बाद इस ग्रेवी को हम चिकन में, जो लेग पीस चिकन तैयार हो गया था उसमें हम दे देंगे। थोड़ा सा हम शक्कर देंगे, शक्कर जो मेरा पाउडर किया हुआ था उसको हम देंगे। ये देखिए, मिक्स्ड हो गया। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। इधर हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून सत्तू लेंगे, 1 टेबल स्पून घी लेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून गरम मसाला जो डस्ट किया हुआ था मेरा, उसको हम गरम, थोड़ा गरम पानी देंगे। गरम पानी से उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से उसके ऊपर, चिकन के ऊपर हम दे देंगे वो पेस्ट। फिर 1 मिनट हम इसको ढक के रख देंगे। अब देखिए, मेरा तैयार हो गया चिकन लेग पीस करी। इसको अब हम सर्व करेंगे।